ईडी आज रिया के चार्टेड अकाउंटेंट रितेश का बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा जो है वरुण माथुर को भी बुलाया गया है। रितेश को कल भी बुलाया गया था लेकिन कल जो है वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज ईडी ने उन्हें वापस आने को कहा है और कहा है कि उन्हें पेश होना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। और आज जो है रितेश जा सकते हैं। रिया के जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं वो अभी तक जो है पूरे नहीं मिले हैं ईडी को, और इसी को लेकर जो है उन्होंने उनके सीए रितेश को बुलाया है कि आप सारे जो है सारे पेपर्स लेकर आइए। रिया की जांच के बाद ये सामने आया कि भले ही कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो है वो रिया और सुशांत के अकाउंट में ना हुआ हो, कोई भी उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट नहीं था, लेकिन वाया वाया ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐसे दो मिले हैं, एक गोकुलम फिल्म से और एक क्वान एजेंसी से। तो इस तरह के दो वाया ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ईडी को मिले हैं, और इसके बाद जो है आज उनके सीए से जो है ईडी पूछताछ करेगी, उनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि जो रिया की आय से ज़्यादा संपत्ति सामने आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है, वो इस तरह से कैसे पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आज ईडी पूछताछ करेगी रिया के सीए से। वहीं आज सुशांत के पिता का भी बयान जो है ईडी ने दिल्ली में दर्ज किया है, और दिल्ली में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि उनको सबसे पहले जो है कैसे पता चला कि 15 करोड़ का इस तरह से घोटाला हुआ है, उन पर उनको जो है रिया पर ही शक क्यों है, उनके पास क्या क्या प्रूफ्स हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है आज ईडी ने सुशांत के पिता से भी मुलाकात की, उनका भी 4 घंटे तक जो है बयान दर्ज किया गया है। आज जो है वरुण माथुर को भी बुलाया गया है, जो साल 2018 में सुशांत के बिजनेस पार्टनर थे, वो भी को डायरेक्टर थे, उनको भी आज बुलाया गया है, और रितेश को भी। तो इन दोनों के बयानों से जो है कुछ अहम जानकारियाँ जो है निकल कर आ सकती है।